और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर से पोशाक पहन रखे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल साड़ियाँ पहन रखी है और जेवर भी है और काफी चीजें पहन रखी है और काफी कलरफुल लग रहा है। मुझे ये मॉल देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये है गणपति का त्यौहार। सो इसलिए मैं इस वक्त मलाड के एक इलाके में हूँ, एक फिलहाल मैं एक बिल्डिंग में हूँ जहाँ पे बहुत अच्छी सजावट हुई है और मैं धीरे धीरे इस सुंदर से घर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ जहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी काफ़ी उत्सुक है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो चलिए हम इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि ये डेकोरेशन जो है, इतना सुंदर सजावट है, किस तरह से इन्होंने सजाया है। और फिलहाल मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ऑब्वियसली गणपति जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट भगवान है, जिनकी शुरुआती लाइफ में जिंदगी की हर चीज़ शुरुआती यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है, जो कि इतने सुंदर से गणपति है यहाँ पे हमें देख सकती हूँ, ज़रूरी होगा। और इनको बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें डायमंड से सजाया गया है और बड़ी अच्छी पोशाक पहनी हुई है और गले में हार है। सो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देख के। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं इस जो घर है, जो इतना सुंदर घर है, जो इतने सुंदर तरीके से सजाया है, उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। तो क्या मैं उनको बुला सकती हूँ यहाँ पे? तो ये है जिनका, ये इतना सुंदर सा घर है जो इतने सुंदर तरीके से सजाया है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि कैसे इन्होंने इतनी मेहनत की और कैसे इतना सुंदर घर इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं इनका नाम जानना चाहती हूँ। आपका नाम? संजू अशोक वाइद्य। ओके, तो मैं संजू सर से बात कर रही हूँ और यहाँ पर आई थिंक इनकी बीवी है। तो आपका नाम? ओके, तो यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों यहीं पे हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपको यहाँ रह के कितना टाइम हो? 12 साल। 12 साल। और गणपति का त्यौहार आप कितने टाइम से मना रहे हैं? 10 साल। 10 साल से? बाप रे, मैं तो आज पहली बार यहाँ आई हूँ। क्या एनीवेज, और मुझे ये जानना है कि आपने ये सजावट तैयारियाँ कब से शुरू की? ये बच्चों ने किए सब मेरे। अच्छा, और 10 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 दिन से? 10 दिन से ये सब चल रहा है। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गणपति का त्यौहार है और आपने कुछ तो मांगा होगा? नहीं, कुछ नहीं मांगा। ऐसे कैसे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है और इतने इम्पोर्टेंट भगवान है, मतलब आप इनसे कुछ भी मांगो ये आपको जरूर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो आपने जरूर मांगा। नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया, उसके नाम आते नहीं भगवान। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा परिवार मौजूद है, तो मैं इन सब से जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे हमेशा आते हो, आप यहाँ त्योहार मनाते हो, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ के? देखिए आप कितना
दे रहा है। मैं इससे जानना चाहती हूं श्री से डिजाइनर कहां है वो? मैं मैत्री है कहां है? वेलकम टू वेलकम मैत्री। सो मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहती हूं। आपका नाम? मैत्री। ओके मैत्री जो है उन्होंने इस सारा डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट तैयार किया है, ये पूरी सजावट की है, तो मुझे बताइए कैसा लग रहा है? वेरी नाइस एक्चुअली। अच्छा, और कितना टाइम लगा ये सब करने में? 10 से 15 दिन लगे पूरी तैयारी करने में। आपके साथ किसने हाथ बटाया? कौन है? लक्षिका, साहिल, किशोर, सिद्धार्थ, काफी बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की है, जम के तैयारी की है इस त्योहार को अच्छे से मनाने के लिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने क्या किया? एंजॉय किया। क्या क्या एंजॉय किया? बाकी गणपति का त्योहार है, मोदक खाना तो है ही, जरूरी है। अच्छा, मैं और भी लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप हर साल यहाँ आते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो इस बार आप लोगों ने तैयारी में क्या क्या किया है, मतलब क्या नया किया है? 56 भोग लगाए। ओके, इस साल इन्होंने 56 भोग लगाए हैं। वैसे मैं जानना चाहती हूँ 56 भोग क्यों लगाया, मतलब क्या रीजन क्या है? 10 इयर्स वी आर सेलिब्रेटिंग द 10 इयर्स ग्रैंड सेरेमनी। ओके, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है कि ये 10वां इनका साल है, इसलिए खूब जोरों शोरों से ये त्योहार मना रहे हैं। इसलिए ये 56 भोग है जो यहाँ आप देख सकते हैं। मैं जलेबी देख सकती हूँ, पूरन पूरी है। ओके, और काजू है और काफी चीज अखरोट है, मिठाइयाँ है, काफी चीज है। तो सेलिब्रेशन, मतलब मैंने तो ऐसा सेलिब्रेशन पहले कभी नहीं देखा कि इतने सारे आइटम गणेश जी को भोग लगाया जा रहा है, और कोल्ड ड्रिंक भी है और नारियल भी है, तो काफी चीजें हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे जान के कि गणपति जी को मोदक पसंद है, वो हमेशा उनको मोदक खाना पसंद है, खाते रहते हैं। आज मोदक नहीं, आज बहुत सारी वैरायटी है, आज तो बहुत पेट भरने वाला है आई एम श्योर। मोदक भी है ना उधर। ओके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विसर्जन के दिन, जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन आपकी क्या तैयारी है? श्वेता हम लोग ने सिमिलर कलर के कुर्तीज लिया है, बैंड रखा है इस बार। सो बैंड रखा है, सो हम लोग इस बार गणपति पप्पा का विसर्जन बहुत धूमधाम से करने वाले हैं, जो कि हमेशा हम लोग ने कभी नहीं किया, बट इस साल ग्रैंड ईयर है, 10 साल है। सो उनको पूरी जो भी अभी तक 5 दिन में जो तैयारी किया है वो हिसाब से उनको अच्छी तरह से हम लोग उनको बाय बाय कहने वाले हैं। ओके, तो जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन कहा जाएगा कि गणपति बाबा अगले साल वापस जरूर जाना। और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके इन लोगों से मिलके, काफी कलरफुल डे है आज, कलरफुल खाना पीना सब कुछ बहुत कलरफुल है। कलरफुल होना भी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि उदास होने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा त्यौहार है ये, डांस का त्यौहार है, सिंगिंग का त्यौहार है, और मैं यहाँ पे बहुत मजे कर रही हूँ। सो हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और यहाँ पे खूब सारी एंजॉयमेंट एंजॉय करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए आपने। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई फैमिली एंड माई रिलेटिव्स एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी।